ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। अकेला ही फौज के बराबर। We have to get this stopped। इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। करेगा कॉल? टाइगर। भरोसा भी है, हिम्मत भी और ताकत। और पागलपन? कहाँ है सलमान और कैट? क्यों फैंस हो रहे हैं बेकाबू? कैसा संबंध है सलमान और छत्तीसगढ़ का? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। सलमान खान और कैटरीना कैफ की मच अवेटेड फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग इन दिनों दिल्ली में चल रही है। इसी बीच इन दोनों सितारों की सेट से तस्वीर लीक हो गई है जो कि वायरल हो रही है। इस तस्वीर में सलमान और कैटरीना कैफ बुरे हालात में दिख रहे हैं। टाइगर 3 के सेट से जो तस्वीरें लीक हुई हैं उसमें कैटरीना कैफ और सलमान खान घायल नजर आ रहे हैं। दोनों के चेहरे पर कई चोटें लगी हैं, यहां तक कि सलमान खान के चेहरे से खून टपकता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ फैंस का हाल बेहाल है। असल में कैटरीना कैफ और टाइगर 3 फिल्म की शूटिंग के लिए सलमान खान के साथ दिल्ली पहुंच गई हैं। इन दोनों की एक साथ जाते हुए एयरपोर्ट से तस्वीर भी सामने आई थी। वहीं अब कैटरीना कैफ ने दिल्ली पहुंचते ही अपने गीले बालों की ऐसी तस्वीर शेयर कर दी है जिसे देखने के बाद फैंस मदहोश नजर आ रहे हैं। वहीं फिल्म से जुड़ी एक और खबर सामने आई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपनी खूबसूरती और पर्यटन के लिए देश भर में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ अब फिल्मी दुनिया में भी अपनी एक अलग पहचान बनाता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों में कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है क्योंकि यहाँ की लोकेशन फिल्मकारों की पसंद बनती जा रही है। खास बात यह है कि बॉलीवुड स्टार सलमान खान को भी छत्तीसगढ़ पसंद आया है। सलमान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग में व्यस्त हैं। संभव है कि वो अपनी इस फिल्म के कुछ गाने या सीन छत्तीसगढ़ में शूट करेंगे। इस संबंध में उनकी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फ़ोन पर बात हुई है। सीएम बघेल से सलमान खान ने जल्दी समय निकालकर प्रदेश आने की बात कही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। क्या टाइगर 3 फिल्म हिट हो पाएगी? क्या सलमान खान एक बार फिर से अपना जलवा दिखा पाएंगे? आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है, आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियो।